गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम चैप्टर 5 के एनिमल्स ऑफ होम्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ और एनिमल्स के होम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सोम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स, इसका मतलब है कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने आप अपने घर को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीज एंड बर्ड्स, ये अपने घर अपने आप खुद बनाते हैं। जैसे बीज बिल्ड हाउस, बीज अपना घर खुद बनाता है और उसके घर को हाउस कहते हैं। मधुमक्खियाँ, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, बीज ब्यूल्ड हाइप्स, बीज के घर को हाइप्स कहते हैं। बर्ड्स ब्यूल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस, और बर्ड्स पंछी अपने घर खुद बनाता है और उसके घर को नेस्ट कहा जाता है। वो नेस्ट क्यों बनाता है? क्योंकि वो अपने घर बनाकर उसके घर में वो अपने बच्चों को पालता है। लुक आफ्टर मतलब लालन पालन करना। वहाँ पर अंडे देता है, अंडे के बाद अंडे से जब बच्चे निकलते हैं वो अपने बच्चे को उस घर में या उस नेस्ट में लालन पालन करता है, उसको खिलाता है पिलाता है और उसका देखभाल करता है। इसीलिए बर्ड्स अपने घर खुद बनाता है या अपने नेस्ट खुद बनाता है। ए रैबिट लिव्स इन ए ब्यूरो, रैबिट मतलब खरगोश। खरगोश कहाँ पर रहता है? ब्यूरो पर रहता है, उसके घर को ब्यूरो कहा जाता है। स्नैक्स एंड रैट्स लिव इन होल्स मेड इन द ग्राउंड, देखो ये स्नैक का पिक्चर है और ये रैट्स है, ये चूहा और ये स्नैक है। ये दोनों ग्राउंड पर होल करके वहाँ पर अपने घर बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। सम वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट हैव होम्स, कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो जंगली जानवर है उसका खुद का घर नहीं होता है। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड जिराफ्स टेक शेल्टर अंडर ट्रीज, एलिफेंट्स एंड जिराफ, ये इनके घर खुद का घर नहीं होता है। ये कहाँ पर रहते हैं? ये जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं पेड़ के नीचे वो रहते हैं या आश्रय लेते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड जिराफ्स टेक शेल्टर अंडर ट्रीज, ट्रीज के नीचे वो दोनों आश्रय लेते हैं। देखो यहाँ पर एक फैक्टोपीडिया दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। कुकू इज ए वेरी लेजी बर्ड, कुकू एक लेजी बर्ड है, वो एक आलसी पक्षी है और इट डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाता है। इट लेस एग्स इन द नेस्ट ऑफ ए क्रो, वो क्या करता है? वो क्रो के नेस्ट में अंडा देता है। आप ये पढ़ना।